नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। चुनाव की घड़ियां नजदीक आते ही सियासी दलों का एकमात्र लक्ष्य होता है कि कैसे मतदाताओं को लुभाया जाए, कैसे उन्हें अपनी पार्टी की ओर आकर्षित किया जाए। इस जद्दोजहद से तकरीबन सभी पार्टियां गुजरती हैं। पार्टी का घोषणा पत्र एक ऐसा माध्यम होता है जिससे ये पता चलता है कि आखिर सियासी दलों का विकास का नजरिया क्या है। आज बारी बीजेपी की थी, जिसने अपने घोषणा पत्र, जिसे नाम दिया गया लोक कल्याण संकल्प पत्र, इसके माध्यम से खूब लोक लुभावने वादे किए, वो वादे जो हर तबके पर असर डाल सकते हैं। मैनिफेस्टो को पेश करते वक्त पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के चेहरे का आत्मविश्वास ऐसा जैसे ये घोषणा पत्र लोगों के वोट उनकी पार्टी की झोली में डलवाने में जरूर कामयाब होगा। हालांकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि लोगों से राय शुमारी के बाद ये लोक कल्याण संकल्प पत्र तैयार किया गया है जो सूबे की तस्वीर और तकदीर को बदल कर रख देगा। हालांकि विपक्षी पार्टियां इसे झूठ का पुलिंदा करार दे रही हैं। अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी खूब वादे किए गए थे, लेकिन उनका एक चौथाई हिस्सा भी पूरा नहीं किया गया। सवाल है कि संकल्प पत्र के माध्यम से बातें तो खूब अच्छी अच्छी की गई, लेकिन इन वादों को पूरा करने के लिए रणनीति क्या होगी। आज लोकतंत्र में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी सत्ता में आई तो यूपी में राम राज्य आ जाएगा। कुछ ऐसे ही वादों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने लखनऊ में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में हर तबके का ख्याल रखा गया है और मैनिफेस्टो को नाम भी दिया गया लोक कल्याण संकल्प पत्र। लखनऊ में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते वक्त अध्यक्ष अमित शाह समेत तमाम नेताओं के चेहरों पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उनके चेहरों पर भरोसा दिखा कि ये घोषणा पत्र लोगों के वोट उनकी झोली में डलवाने में कामयाब होगा। यूपी की जनता की इच्छा जानने के लिए बीजेपी ने राय शुमारी भी की। जिस प्रकार से विगत एक साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पे, गांव गांव में, नगर नगर में, हर एक शहर में, मोहल्ले में, गली कूचे में जाकर जनसंपर्क किए हैं और वहां से जो हमें फीडबैक मिला है उसके आधार पर मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि अगली सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। घोषणा पत्र में सूबे के सर्वांगीण विकास के लिए हर तबके की मदद का भरोसा दिलाया गया है। घोषणा पत्र में महिलाओं, किसानों और छात्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। गरीब घर में बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए की मदद दी जाएगी। विधवा पेंशन के लिए उम्र की सीमा खत्म होगी। महिला सुरक्षा के लिए हर जिले में महिला पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही महिलाओं की 3 नई पुलिस बटालियन बनाई जाएंगी। यही नहीं, 3 तलाक पर प्रदेश की महिलाओं की राय ली जाएगी। हम प्रदेश भर की मुस्लिम महिलाओं की इच्छा पूछेंगे और इच्छा जानने के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो अभिप्राय आएगा, उत्तर प्रदेश सरकार पार्टी बनकर 3 तलाक के मामले में एक अपना हकारात्मक सोच महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। घोषणा पत्र में किसानों के लिए भी तमाम घोषणाएं की गई हैं। यूपी में किसानों की मदद के लिए छोटे किसानों को ऋण माफ किया जाएगा, साथ ही किसानों को बिना ब्याज कर्ज दिया जाएगा। भूमिहीन किसानों को 2 लाख का बीमा दिया जाएगा। धान की पूरी फसल सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। उत्तर प्रदेश के सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली ऋण 100% माफ कर उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम करेगी। सभी लघु एवं सीमांत किसान को जो फसली ऋण बाद में दिया जाएगा वो ऋण 0% इंटरेस्ट से दिया जाएगा। किसानों से आगे पर ऋण पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि संविधान के नियमों के तहत राम मंदिर के निर्माण का प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और 2/3 बहुमत से बनने जा रही है। बीजेपी ने चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है, लेकिन इस घोषणा पत्र के जारी होने में एक दिलचस्प तथ्य ये रहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली बीजेपी ने एक घोषणा पत्र लखनऊ के इंदिरा प्रतिष्ठान में जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
तो बीजेपी की तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया उसके मुताबिक अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आती है तो उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ जाएगा। कुछ ऐसे ही वादों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने लखनऊ में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और घोषणा पत्र में हर तबके का ख्याल रखने की कोशिश की गई और मैनिफेस्टो को नाम भी दिया गया लोक कल्याण संकल्प पत्र। आखिर क्या योजना बीजेपी की रहेगी, किस तरह से ये संकल्प पत्र पूरा करेंगे अगर सत्ता में आते हैं, और तो लोग भरोसा आखिर इस घोषणा पत्र पर करें तो क्यों करें, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से कराते हैं। लखनऊ से अनिल दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता हैं RLD यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के पांडे साहब हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जगदेव सिंह यादव जी हैं जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रदेश प्रवक्ता हैं। अतुल चंद्रा जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इससे घोषणा पत्र को वो किस नजरिए के साथ देखते हैं ये उनसे हम बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता पुष्कर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। शुरुआत जगदेव सिंह यादव जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि शायद समाजवादी पार्टी के सामने ये घोषणा पत्र किसी चुनौती से कम नहीं होगा, कैसे देखते हैं इस मैनिफेस्टो को? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है, पहले तो समाजवादी पार्टी की नकल करने की कोशिश की है और उत्तर प्रदेश की जनता आप खूब अच्छी तरह जानती है कि मोदी जी प्रधानमंत्री जिन्होंने मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा था और जो लोकसभा में घोषणा पत्र जारी किया था जी, उसका कोई परसेंटेज लागू नहीं किया और वो झूठ का पुनिंदा साबित हुआ। मोदी जी ने बड़े वादे किए थे, 100 दिन में काला धन लाएंगे, रोजों को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम हो गया, लेकिन जनता की पूरी तरह विश्वास खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश की जनता ने 73-73 सांसद जिताने काम किया था, गांव को गोद लिया गया था, ग्रामीण क्षेत्र में एक भी गांव का विकास नहीं हुआ। तो जो भी उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है वास्तव में ये झूठ का पुलिंदा है और उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर किसी विश्वास किया है तो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी किया है कि जो घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी ने जारी किया था 2012 में अच्छा सा पूरा कर दिया और उसके आगे बढ़ के काम किया, मेट्रो चलाने का काम किया, सेट लाइन बनाने का काम किया, वहां कई विद्यालय बनाए गए, कई अस्पताल बनाए गए और हर क्षेत्र में पहली बार 75% बजट ग्रामीण क्षेत्र के दिया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है, लोगों को नौकरियां देने काम किया गया है, चाहे रेवेन्यू विभाग में हो, चाहे सहकारिता में हो, चाहे पुलिस की भर्ती, उस सब में काम दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य से लोग चतुर चालाक लोग चले जाते हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने रुकवाने काम किया। इससे पहले नौकरियों में बैन लगा था, पहली बार उत्तर प्रदेश में अगर नौकरियों बेरोजगार देने काम किया गया है तो अखिलेश सरकार ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री ने किया है जी। तो आज जनता को अगर विश्वास है भरोसा है तो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पे है कि ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, बिना किसी भेदभाव के प्रदेश को विकास के रास्ते ले जाने किसी काम किया है, विकास की गंगा बहाने काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया है, बेदाग चेहरा है, आतंक के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। ठीक है जगदेव सिंह जी, ये दावे समाजवादी पार्टी सरकार की तरफ से खूब किए जाते हैं कि हमने अपने घोषणा पत्र से बढ़कर काम किया है। अनिल दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी पार्टी इस बात का दावा करती है कि किसानों की असल हितैषी उनकी ही पार्टी है। अनिल दुबे जी, जब घोषणा पत्र के सारे वादे पूरे हो गए, जो वादे किए थे सारे न सिर्फ पूरे हुए बल्कि उनसे आगे बढ़कर काम किया, तो आखिर क्यों बुंदेलखंड की तस्वीर नहीं बदली, क्यों पूर्वांचल की तस्वीर नहीं बदली? देखिए अच्छा, इन्होंने जो घोषणा पत्र, आज किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात इनके घोषणा पत्र में, जब ये 2014 का चुनाव लड़े थे उसमें भी इन्होंने किसानों के लिए वादे किए थे, इन्होंने उन वादों पर जो किसानों के लिए किए, नौजवानों के लिए किए, उत्तर प्रदेश और देश के लिए किए थे, खासतौर उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश में इनको 73 सांसद, उन वादों पर जो इन्होंने किए थे इनको 73 सांसद उत्तर प्रदेश की जनता ने जिता कर दिए, एक भी वादे पर अच्छे ये अपने खरे नहीं उतरे। इन्होंने कहा कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, किसानों को उनकी फसल का जो है 50% बढ़ा करके मूल्य देने का काम करेंगे, क्या एक भी वादे पूरे हुए? बुंदेलखंड का विकास क्या हुआ? बुंदेलखंड के लिए इन्होंने क्या किया? बुंदेलखंड में क्या स्थिति बनी? पिछले दिनों बुंदेलखंड बिल्कुल तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो ये सारी चीजें केंद्र सरकार कैसे इससे बाहर रह सकती है कि वो ये कह दे कि हम उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मे छोड़ देंगे? आपने उत्तर प्रदेश को किसके भरोसे छोड़ दिया?
किया। उत्तर प्रदेश का जिस तरह से इनको विकास करना चाहिए था, उत्तर प्रदेश को जो इन्हें बजट देना चाहिए था, जिस तरह का, जिस तरह की सुविधाओं को इन्हें करना चाहिए था, क्या किसान को उसकी फसल का मूल्य दिला पाए? तो आप तो बीजेपी वादा कर रही है। जो आज दुबे जी, आप बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से इस बात का वादा किया, और आप लोग भी तो ये लगातार कहते रहे हैं हमारे इसी मंच पर, आपकी पार्टी के तमाम नेता ये बात कहते रहे हैं कि जो पार्टी किसानों के हित की बात करेगी हम उसके साथ जाने को भी तैयार हो सकते हैं, नीतियां भले ही मेल खाती हो या ना खाती हो। पार्टी तो किसानों की बात नहीं कर रही है जी, भारतीय जनता पार्टी केवल किसानों की बात करती है। सर अमित शाह दावा कर रहे हैं कि 20 दिन का वक्त सरकार बनने के बाद गन्ना किसानों का भुगतान, ऋण भी हम जो ब्याज है वो भी माफ कर देंगे। अच्छा एक मिनट, आप, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, आप हमें बोलने दें। इन्होंने किसान के साथ जो वादे किए क्या उन्होंने पूरा किया? इन्होंने जो भी बात की थी, जब इन्होंने पिछले घोषणा पत्र को पूरा करने का काम नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता कई बार काट की हाड़ी कई बार चढ़ेगी। एक बार पार्लियामेंट में चढ़ गई, एक बार आपने उत्तर प्रदेश को ठग लिया, अब दोबारा ठगने वाली नहीं है ये लोग। ये कि आज आप कैराना की बात करोगे, आप बिजनौर की बात करोगे, आप आज पलायन की बात करोगे, आप रोजी रोजगार की बात नहीं करोगे, आज आप फिर वही, आपके पास केवल एक बात बची कि आप फिर चाहते हो कि किसी तरह ध्रुवीकरण हो जाए और ध्रुवीकरण के नाम पर हम चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता आपको जान गई है, आपके किसी झांसे में नहीं आने वाली है। आपने जो भी वादे किए, 2.5 वर्ष से ज्यादा का समय बीत गया, उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ हिसाब लेने जा रही है। अमित शाह जी जो कुछ भी घोषणा पत्र में कह रहे हैं, इन्होंने जो कुछ भी उस समय भी घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था लोकसभा के चुनाव में, आज कौन सा विकास का काम इन्होंने कर लिया, कौन सा किसान इस देश का खुशहाल हो गया? आपने गेहूं के आयात पर शुल्क खत्म कर दिया। चलिए जवाब दे देते हैं ना, पुष्कर मिश्रा हमारे साथ हैं, उनकी उनकी प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं। बिल्कुल आप जवाब दीजिए, पक्ष रखेंगे। पुष्कर मिश्रा जी जवाब दीजिए कि लोग आखिर क्यों भरोसा करें इस घोषणा पत्र पर, क्या ये सिर्फ लोगों को लुभावने के लिए है, मतदाताओं को? नहीं, घोषणा पत्र का नाम ही हमने संकल्प पत्र रखा है, ये हमारे लिए प्रतिबद्धता का प्रश्न है, ये हमारे संकल्प हैं जो सरकार आने पर हम पूरा करेंगे। जहां तक प्रश्न है कि इस संकल्प पत्र में के माध्यम से हम करना क्या चाहते हैं, वो संकल्प पत्र आपके सामने है। हम गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं। हमने संकल्प लिया है कि हम हर युवा को रोजगार दिलाएंगे, हम जो है शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता का विकास करेंगे, वहां की माफिया गिरी को समाप्त करेंगे जी। हम निशुल्क शिक्षा देंगे ग्रेजुएट स्तर तक लड़कियों को और लड़कों को 12वीं तक। उसमें भी जो मेधावी 50% से ऊपर अंक पाने वाले मेधावी छात्र हैं उनको हम ग्रेजुएट तक मुफ्त शिक्षा देंगे। हम प्रदेश में 10 नए विश्वविद्यालय स्थापित करने का हमने संकल्प लिया है, हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज हम बनाएंगे जी। उसी प्रकार हम जो है गरीबी से मुक्ति का सपना साकार करेंगे, बुनियादी विकास मजबूत आधार हम बनाएंगे। ये घोषणा पत्र की एक कॉपी है मेरे पास, 24 है ना, ये कैसे होगा मुमकिन? घंटे बिजली, ये वादे जैसे सवाल उठाए जा रहे हैं, ये मुमकिन कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी किए गए थे? लोकसभा में हुआ वैसे ही होगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति से पूरा करेंगे, सुशासन से पूरा करेंगे। हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, गुंडा मुक्त जो संरक्षण टैक्स चलता है उत्तर प्रदेश में उसको समाप्त करेंगे, इससे विकास की ओर बढ़ेंगे हम। हमें एक विकास उन्मुख उत्तर प्रदेश चाहिए। मैं एक बात उत्तर प्रदेश के बारे में स्पष्ट कर दूं, जी जी, सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में लघु और सीमांत किसानों की है। जब तक किसानी से निकालकर लोगों को उद्योग की ओर नहीं ले जाएंगे तब तक उत्तर प्रदेश की समस्या का हल होने वाला नहीं है। तो एक तरफ हम कृषि के विकास पर पूरा जोर देने वाले हैं और दूसरी तरफ हम उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि किसानी के क्षेत्र से निकाल कर लोगों को उद्योग के क्षेत्र में लाया जाए में और देश का विकास रुक गया। इसके बाद जो है हम ठीक है, इसीलिए मिश्रा जी स्थापना, इसीलिए मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि इस मैनिफेस्टो में जिसे आपने संकल्प पत्र का नाम दिया है अच्छी अच्छी बातें, इसमें कोई दोरा नहीं है, जिसमें हर तबके का ध्यान रखा गया है। के पांडे जी कुछ यही वादे तो किए थे ना 2012 में समाजवादी पार्टी ने, अब भले ही आप लोग साथ में हैं, सहयोगी हो चुके हैं, कितना परिवर्तन, क्योंकि पानी पी पी कर आप लोगों ने कोसा है। या तो पहले
2012 के बेहाली का क्या हुआ जो नारा अभी एक महीना पहले दिया था इन्होंने। आज जो इन्होंने संकल्प पत्र जारी किया इसके बारे में पहले बता दूं, एक चीज बताना चाह रहा हूं पहले, इन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम बदल के अच्छा जी इन्होंने संकल्प पत्र रखा है। हमारे यहाँ विधान है, हमारे संस्कृति में है कि संकल्प एक ऐसा शब्द है जो प्रतिबद्धता का है, और संकल्प जिस बात का किया जाता है अगर वो पूरा न किया गया तो कई जन्मों तक पश्चाताप करना पड़ता है, उसको भोगना पड़ता है जी। तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी की एक गुजारिश है कि कम से कम अपना यह संकल्प नाम हटा के घोषणा रख दे, क्योंकि इनको यह संकल्प पत्र जो संकल्प जारी किया, संकल्प लेने का काम किया, यह पूरा करना नहीं है। ढाई साल पहले जो लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी द्वारा हुआ था जिसमें इन्होंने घोषणा किया था हम 15 लाख रुपया पहुंचते ही देंगे, उसी तरह से जैसे बीपी सिंह जी ने कहा था प्रधानमंत्री होते ही बोफोर्स के दलाल का नाम हम बता देंगे, उसी तरह से इन्होंने कहा था 15 लाख रुपया देंगे। स्विस बैंक में किसके किसके इंडियंस के अकाउंट्स है वो हम तुरंत स्लिप निकाल के बता देंगे, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि हम सफाई और स्वच्छता अभियान तो इतना जबरदस्त था जिसमें पूरे घर के रुपया ही निकल के बाहर आ गई। इन्होंने कहा था 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ आदमियों को पर ईयर हम नौकरी देंगे। भारत सरकार के श्रम विभाग की रिपोर्ट है कि 75,000 आदमी एक साल में, 46,000 आदमी दूसरे साल में इनके सरकार में निकाले गए हैं जी। और इस नोटबंदी के चलते जो हमारा किसान है, एक मिनट लूंगा समय, इस नोटबंदी के चलते जो हमारा किसान है फ्री में आलू और सब्जी बेचने को मजबूर हो गया है। सबसे ज्यादा अगर किसान विरोधी कोई हिंदुस्तान में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इनको संकल्प लेना चाहिए। इसी बात को लेकर संकल्प से डरती, जैसा आपने कहा कि संकल्प लेना ठीक नहीं है, घोषणा पत्र ही नाम दिया जाए। अतुल चंद्रा जी, मैं आपसे समझने का, आपने सभी दलों के नेताओं को सुना, संकल्प पत्र नाम से इसीलिए क्या भय लगता है कि संकल्प मुश्किल ना हो जाए, और क्या यही वजह है कि 27 साल यूपी बिहार का नारा देने वाली कांग्रेस कह रही कि हम घोषणा पत्र ही नाम रखे? देखिए, नाम आप कुछ भी रख दीजिए, जब आप घोषणा पत्र अपना रिलीज करते हैं तो एक समझी जाती है एक बात कि आप उस घोषणा पत्र को लागू करेंगे, आप उसको संकल्प पत्र नाम दें या ना दें, ये आपका कर्तव्य होता है कि अपने घोषणा पत्र को लागू करें। अब जैसे समाजवादी पार्टी कह रही है कि उसने अपने पिछले मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए थे उनको पूरा किया जी, तो बिना वो नाम बदले हुए वो काम किए गए। हमको जो एक बात विशेष लगी इस घोषणा पत्र में वो ये कि लैपटॉप स्कीम समाजवादी पार्टी की, उसको अपग्रेड किया सिर्फ एक इंटरनेट दे करके, 1 GB का डेटा पैक जी। महिलाओं के लिए पेंशन समाजवादी पार्टी में भी है, इन्होंने उसका दाम उसका बढ़ा दिया है, अमाउंट बढ़ा दिया है, 1,000 रुपए कर दिया है और आयु सीमा हटा दी है। उसके साथ एक और कॉमन फैक्टर है जो इन्होंने, वाईफाई की बात की गई है, 1 GB डाटा का जिक्र किया गया है, तमाम वो वादे जो कहीं ना कहीं मेट्रो का जिक्र किया गया, विस्तार की बात कही, मेट्रो ठीक है चली नहीं है, मेट्रो चली नहीं है, लेकिन उनका कहना यह कि हम इसको पूरी रफ्तार देंगे, जो अखिलेश यादव ने भी अपने मैनिफेस्टो रिलीज करते समय कहा था। 5 शहरों में और नोएडा की मेट्रो की बात ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब उसको घोषणा पत्र में शामिल करना तो हमारे ख्याल से सिर्फ एक वादा ही है जिसको समाजवादी पार्टी, सर इसीलिए अतुल चंद्रा जी, इसीलिए आज हम इस बहस को लेकर आए हैं कि असल में मतलब क्या होता है घोषणा पत्र का। जैसे आप नाम चाहे जो भी दे दीजिए, चाहे मैनिफेस्टो बुला लीजिए या फिर संकल्प पत्र, जो भी नाम दे दीजिए, क्या वो संकल्प सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए होता है? और ये जो घोषणा पत्र आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया है, इसमें हर तबके का ख्याल तो रखा गया है, खास तौर पर युवाओं को तरजीह ज्यादा दी गई है, क्योंकि शायद जो आंकड़े भी हैं कि जो 20 लाख से ज्यादा युवा वोटर है इस बार मतदाता बन जाएगा, इसलिए उनको भी काफी जगह दी गई है। एक रिपोर्ट आप सभी मेहमानों को दिखा देते हैं, उसके बाद अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र में युवाओं पर खास तौर पर जोर दिया गया, और इसकी शायद वजह भी है कि यूपी में इस बार युवा मतदाताओं की संख्या में तकरीबन 20 लाख का इजाफा हुआ है।
लखनऊ में जारी बीजेपी के घोषणा पत्र में हर तबके के लिए तमाम वादे किए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान युवाओं पर दिया गया है। बीजेपी को यूपी में युवाओं की ताकत का एहसास है, इसीलिए घोषणा पत्र में स्नातक तक लड़कियों और 12वीं तक लड़कों को मुफ्त में शिक्षा देने की बात कही गई है। स्कूल कॉलेज सहित यूनिवर्सिटी में फ्री वाईफाई की सुविधा होगी। घोषणा पत्र में लैपटॉप के साथ एक साल तक 1 GB डेटा मुफ्त में मिलेगा। रोजगार का भी लॉलीपॉप दिखाया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि यूपी पुलिस में 1.5 लाख खाली पद भरे जाएंगे। हमने तय किया है वर्ग 3 और वर्ग 4 के सारी भर्तियों में से इंटरव्यू समाप्त कर दिए जाएंगे और सिर्फ उसकी मेरिट्स पर उसको बहाली कर दी जाएगी। हम युवाओं को लैपटॉप को तो देंगे, मगर इसमें सबका साथ सबका विकास की तरह हर व्यक्ति को लैपटॉप मिल पाए ये सुनिश्चित करेंगे और 1 साल के लिए 1 GB इंटरनेट की सुविधा भी उसके साथ मुफ्त में सरकार की ओर से दी जाएगी। बीजेपी को पता है कि 2012 के चुनाव में युवा वोटरों ने अहम भूमिका निभाई थी और बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार भी उत्तर प्रदेश में युवा वोटर अहम भूमिका निभाएंगे। जब वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण शुरू हुआ था तो वोटर लिस्ट में केवल 3.89 लाख वोटर 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के थे, लेकिन अब इस आयु वर्ग में 20.57 लाख नए वोटर जुड़े हैं और इनकी संख्या बढ़कर 24.53 लाख हो गई है। ऐसे में बीजेपी का युवाओं पर जोर देना लाजमी था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। या तो इस घोषणा पत्र में युवाओं पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है, क्या बीजेपी को युवाओं की ताकत का एहसास है और इस बात का आकलन बीजेपी ने किया? सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्कर मिश्रा जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। क्या बीजेपी को इस बात का एहसास है कि युवा काफी मादा रखते हो और संख्या भी लगातार बढ़ी है मतदाताओं की जो कि युवा हैं, इस वजह से खासी तरजीह दी गई है? नहीं, हमने हमेशा से हमारा युवाओं के प्रति जोर रहा है और ये दिनकर जी की कविता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये कुछ सिद्ध बात है कि जिस तरफ जिस दिशा में युवा बढ़ते हैं उसी दिशा में जो है पूरा युग परिवर्तन की अगर आप बात करते हैं तो वो युवाओं से ही होता है। यहाँ तक कि युग परिवर्तन अगर किसी ने किया है तो युवाओं ने किया है। हम युवाओं के प्रति हमेशा से प्रतिबद्ध रहे हैं। नहीं, फिर रोजगार का सवाल खड़ा होगा। अधिकांश जनसंख्या ने अभी सवाल उठाया ना कि आपने तो 1 करोड़ साल में रोजगार देने का वादा किया था युवाओं को, कितना रोजगार मिला वो आंकड़े भी शायद गिना रहे थे। नहीं, वो अभी हमने उत्तर प्रदेश में अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम 1,000 करोड़ के स्टार्टअप वेंचर कैपिटल फंड तथा देश के सबसे बड़ा स्टार्टअप इंक्यूबेटर की स्थापना करेंगे। इससे रोजगार पैदा होगा, जितनी रिक्तियां हैं चाहे वो सरकारी महकमों में उन सबको भर देंगे, उनसे रोजगार पैदा होगा। और इसके अलावा उद्योग और कृषि में रोजगार पैदा हो इसके लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और पूरा औद्योगिकीकरण हो उत्तर प्रदेश का, इस दिशा में काम करेंगे। हम नेशनल हाईवेज के बगल में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाएंगे जिससे रोजगार पैदा होगा। अभी समस्या यह है कि केंद्र सरकार की नियत है, वो करना चाहती है उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार में भाजपा की सरकार न होने के कारण और एक ऐसी सरकार को होने के कारण यादव जी की पार्टी हमेशा ये मिश्रा जी विश्वास रखती है, जो 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 आपकी पार्टी भ्रष्टाचार में विश्वास रखती है कि केंद्र सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं, ऐसी सरकार होने के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। इधर बीजेपी जब भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो हम निश्चित तौर पर आगे विकास की दिशा में बढ़ पाएंगे। योजना के अंतर्गत जो पैसा मिलता उसे बीमती इन्होंने उसका 1 पैसा नहीं दिया और इन्होंने को बढ़ा हिस्सा देना जोड़ा हिस्सा नहीं दिया। जो केंद्रीय सरकार को मदद करनी चाहिए इन्होंने केंद्र सरकार ने उन योजनाओं के अंदर पैसा नहीं दिया, इसका रिकॉर्ड गवाह है। और जहां तक इन्होंने कहा ना कि ये रोजगार की बात करते हैं, इन्होंने कोई रोजगार किसी को दिया ही नहीं। और मैं कह रहा हूं ये सड़क बनाने की बात करते हैं, GT रोड जो कलकत्ता से लेकर वहां तक गई है सड़क, सबसे ज्यादा अगर आज खराब स्थिति है तो GT रोड की है। हमने तो 6 लेन बनाने काम किया है, वहां फाइटर प्लेन उतार दिए। मैं सोचता हूँ इतना अच्छा सड़क आज तक किसी ने बनाई नहीं और हम इसको आगे बढ़ा के गोरखपुर ले जाना चाहते हैं। अब ये गांव की बात करते हैं, हमने स्मार्ट गांव बनाने की बात किया, इन्होंने कहा 73 MP है, हर MP अपने गांव को ले, किसी गांव को गोल ले, किसी को उन्होंने काम करने काम किया हो, हमने करके दिखाया है, ग्रामीण बजट बनाया है इसमें। और अखिलेश यादव ने इतनी देखिए, हमने दवाई माफ की, पढ़ाई माफ की,
शिक्षा का माफ किया, सारा माफ किया, दवाई पढ़ाई सिंचाई माफ करने काम किया, ये अखिलेश यादव ने किया, किसानों का कर्ज माफ किया, बिजली हमने गांव में 18 घंटे दी, 24 घंटे हमने शहरों में दी, हमने लाखों लोगों को रोजगार देने काम किया है। और आगे इसीलिए करें, नौजवानों बात करते हैं, आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वास्तव में नौजवानों की शान है, नौजवान उनसे जुड़ा हुआ, लैपटॉप देने का हमने उनको काम किया, रोजगार देने का हमने काम किया, नौजवानों को आगे बढ़ाने किसी काम किया हमने काम किया है। और कानून व्यवस्था के नाम पे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में ऐसा प्रदेश है जहां 15-20 के अंदर यूपी 100 आती है। राजधानी लखनऊ का हाल बता दीजिए, डाटा आप लोगों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, आप मंगा लीजिए कितने घंटे की आप देखिए, आप लगातार देख रहे हैं पिछली सरकार, आप तुलना कीजिए पिछली सरकार की वर्तमान सरकार से, क्या अंतर है, पिछली सरकारों को काम नहीं किया और जहाँ सरकार बैठी है कहते मेरे पास बजट नहीं है, फंडिंग घट गई और सारा सारा पैसा भ्रष्टाचार के भेद बढ़ता था, बिजली बिल बढ़ता था, वहाँ पर देखा है भ्रष्टाचार की जननी तक रही है, ठीक है सर। और बीजेपी ने कुछ किया नहीं, सरकार ने किया नहीं, और नोटबंदी करके पलायन हो गया, उद्योग बंद हो गया, और जो हालत खराब कर दी है उत्तर प्रदेश में, मोदी ने जनता का विश्वास खो दिया है, दोबारा कार्य घंटी नहीं करने वाली है, आप का नाम ले जाए श्याम एक रिएक्शन यहाँ पर पांडे जी से ले ले, फिर एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है। पांडे जी, बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, अगर समाजवादी पार्टी के पिछले घोषणा पत्र की बात की जाए या फिर जो वादे समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए हैं, ज्यादातर उन्हीं योजनाओं पर ज्यादा ध्यान इस मैनिफेस्टो में दिया गया बीजेपी के, उन्हें आगे बढ़ाने की बात कही गई है। आप मेट्रो का जिक्र कर लीजिए, सड़कों की बात कर लीजिए, बिजली की बात कर लीजिए, किसानों की बात कर लीजिए, बुंदेलखंड की बात कर लीजिए, पूर्वांचल की बात कर लीजिए, तो उसकी कॉपी दिखाई पड़ेगी सपा की, यानी कहीं ना कहीं कमी रह गई क्या? घोषणा पत्र या भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जो आज हम भी सामने ही देख रहे हैं, इसमें अधिकांश बातें वही हैं जो समाजवादी पार्टी ने पिछले 5 सालों में शुरू की, पूरा की या कर रहे हैं, और जो इस बार उन्होंने घोषणा किया। इन्होंने कहा हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, मेरे समझ से कोई ऐसा शहर नहीं है, शायद कोई ऐसा शहर बचा हो उत्तर प्रदेश में जिस जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज न हो। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा की बात किया, इंटर तक फ्री शिक्षा हो रही है। इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज कहा है, ये इनके मुंह से हमें थोड़ा सा सुनने में वो लगा कि ये गुंडा राज खत्म करेंगे, इनके घोषणा पत्र में एक बहुत अच्छी बात है, गुंडा राज खत्म करेंगे, और यह समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते रहे हैं कि ये गुंडों की पार्टी है, गुंडा राज है। सर ये आरोप तो आपकी पार्टी ने भी लगाए हैं गठबंधन के पहले तक, बिल्कुल लगाए हैं, बिल्कुल लगाए इनके, जी हाँ गठबंधन ने नारा दिया था कि यूपी बेहाल है, भाई मैं उस बेहाल यूपी का क्या हुआ ये बताएं, आज भी कांग्रेस गठबंधन के बाद बेहाल यूपी हाल में आ गया। आज भी कांग्रेस पार्टी की ओर से अधिकृत तौर पे कह सकता हूँ कि अब से 6 महीना पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब थी, जब अखिलेश यादव, अब चूंकि आपने डाइवर्ट कर दिया, अखिलेश यादव के ऊपर जब तक परिवार का वर्चस्व था और भी मुख्यमंत्री के रूप में लोग काम कर रहे थे, अखिलेश यादव को खुले रूप से काम करने का मौका नहीं। सर ये सवाल मत उठाइए, नेता जी बुरा मान जाएंगे, एक ब्रेक के लिए हम रुक लेते हैं, ठीक है पांडे जी? नहीं, बुरा मानने की परवाह नहीं है। दूसरी चीज हम आप बता रहे हैं कि गुंडा राज की बात जो बीजेपी करती थी, मैं उस पे आ रहा हूँ, जो कह रहा था क्या उत्तर प्रदेश में जितने लोग हैं, क्या योगी आदित्यनाथ, क्या साक्षी महाराज, ब्रिजभूषण शरण सिंह, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, लल्ला भैया, फतेहपुर सीकरी के बाबूलाल, आजमगढ़ के रमाकांत यादव, क्या उनको ये पार्टी से निकाल देंगे? ये गुंडा राज की बात कर रहे हैं। गुंडा गुंडों को पालने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। चलिए ठीक है, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक लेते हैं, समाप्त, ये आरोप सभी पार्टियों पर है पांडे जी, ये आप ये बात कह रहे हैं सभी पार्टियों पर इस तरह के आरोप है, हो सकता है कि जो रेशियो है फीसदी है वो थोड़ा कम हो, लेकिन ऐसे लोगों की भरमान सभी दलों में है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में छिड़े सियासी घमासान की, और बीजेपी ने आज घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है जिसमें हर तबके का ध्यान रखने की कोशिश की गई है। बीजेपी के घोषणा पत्र में इस बार सूबे के 2 सबसे पिछड़े इलाकों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर बुंदेलखंड विकास बोर्ड और पूर्वांचल विकास बोर्ड के गठन की बात भी कही गई। बीजेपी के घोषणा पत्र में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, इसमें किसानों, मजदूरों, गरीबों से लेकर राम मंदिर तक का मुद्दा भी शामिल है। इन सब के बीच बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए भी वादे किए। यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले पूर्वांचल ने आजादी के बाद भले प्रदेश को सबसे ज्यादा 11 मुख्यमंत्री दिए हो,
पर बेरोजगारों की संख्या में भी ये इलाका सबसे आगे है। बदहाली का आलम यह है कि कल कारखाने बंद होते जा रहे हैं तो खेती किसानी को लेकर भी दिक्कतें तमाम हैं। गरीबी, रोजगार, बिजली, पानी जैसी तमाम मूलभूत सुविधाओं की कमी से पूर्वांचल बदहाल है। बीजेपी ने पूर्वांचल के इन्हीं तमाम मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में जगह दी है। बीजेपी ने पूर्वांचल के विकास के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाने का वादा किया है। पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में पूर्वांचल विकास बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। अपनी वीरता और जुझारूपन के लिए प्रसिद्ध बुंदेलखंड में कई सालों के सूखे ने इलाके की तस्वीर बदल कर रख दी है। इसके चलते पैदा हुए कृषि संकट और उससे निपटने की योजनाओं में भ्रष्टाचार ने पलायन और आत्महत्याओं की एक अंतहीन श्रृंखला को जन्म दे डाला। हर बार चुनाव में इस इलाके को लेकर तमाम वादे होते रहे हैं, लेकिन सालों बाद भी हालत जस की तस बनी हुई है। एक बार फिर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बुंदेलखंड के विकास को मुद्दा बनाया है। बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में बुंदेलखंड विकास का गठन किया जाए, विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के पिछड़ेपन का यूपी के विकास पर काफी असर पड़ा है। इन दो बड़े इलाकों की बदहाली के कारण तमाम लोग मुफलिसी में जीने को मजबूर हैं। तो राज्य की तरक्की पर भी इसका असर दिखा है। सियासी पार्टियां इन दोनों इलाकों के विकास के लिए शुरू से ही बड़े बड़े वादे करती आई है, लेकिन नतीजा हमेशा सिफर ही रहा है। अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। या तो चाहे पूर्वांचल की बात की जाए या बुंदेलखंड की बात की जाए या फिर इसके अलावा और भी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों की बात की जाए, खासतौर पर इन दो इलाकों पर फोकस सभी सियासी दलों का होता है और दावे भी किए जाते हैं कि अगर हम सत्ता पर काबिज हुए तो यहाँ की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन अफसोस तब होता है जब तस्वीर बदलती नहीं बल्कि हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है। सभी मेहमान बने हुए हैं। अनिल दुबे जी, मैं आपके पास आता हूँ। सभी सियासी दल चुनाव से पहले यही वादा करते हैं, चाहे पूर्वांचल क्षेत्र की बात की जाए या फिर बुंदेलखंड की, हालांकि खासा प्रभाव डालता है उत्तर प्रदेश की सियासी दशा और दिशा दोनों को तय ये इलाके करते हैं। क्या सिर्फ इसीलिए फोकस होता है लेकिन नतीजे देखने को नहीं मिलते हैं बावजूद उसके? देखिए, अच्छा ऐसा है कि जब चुनाव आता है तो ये चुनाव के समय राजनीतिक दलों का जो घोषणा पत्र होता है ये ठीक उस तरह का होता है जैसे बाजार में लोग सुरमा बेचने जाते हैं और कहते हैं हमारा सुरमा ले लो, इससे आँख की रोशनी बढ़ने का काम करेगी। और उस सुरमे में अब सुरमा असली ना हुआ तो आँख भी जो है रोशनी भी चली जाती है। तो ठीक इसी तरह की बात इस समय हो रही है कि जो 2012 का भी जिक्र आया, 2014 का भी आया, 2012 का भी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, जो वादे उन्होंने अखिलेश यादव जी ने किए थे बतौर प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के पहले, उन्होंने भी जो वादे किए, कहा कि हम इतनी बिजली देंगे, इतना पानी देंगे, कहाँ बिजली, जब बिजली मिली नहीं तो सिंचाई कहाँ से हो जाएगी, सिंचाई, बिजली, इन मुद्दों पे भी वो भी फेल रहे। उत्तर प्रदेश में 4 साल तक वो गन्ना किसान को मूल्य नहीं दे पाए। तो घोषणा पत्र तो उन्होंने भी जारी किया था और घोषणा पत्र 2014 में इन्होंने भी जारी किया और इसीलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ी भारतीय जनता पार्टी की कि उसको घोषणा पत्र इस चुनाव में उन्होंने संकल्प पत्र कह दिया कि हम घोषणा नहीं, हम संकल्प कर रहे हैं। बात तो एक ही है। तो सवाल इस बात का है कि आपने 91 से आप लगातार कुछ ना कुछ कहते चले आ रहे हो। आप इनके पुराने इतिहास पर जाइए, इन्होंने सही गठबंधन, आज ये अपराध मुक्त की बात करते हैं, इन्होंने गठबंधन सरकार चलाई कांग्रेस से और BSP से तोड़ करके, किस तरह के लोगों को इन्होंने सरकार में रखा था, क्या वो उत्तर प्रदेश की जनता से छिपा नहीं है? सवाल यह है कि आपकी हमेशा कथनी अलग रही है, करनी अलग रही है और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आज आप ठीक है पुष्कर दूसरों की बात कर रहे हो। अनिल दुबे जी ने अच्छी बात कही है, जो आपने किया अभी मौके में सुरमा बेचने की सिर्फ कला मेन होती है सभी सियासी दलों के लिए, किसके सुरमे में ज्यादा दम नजर आता है? नहीं, हमारे लिए ये व्यापार का विषय नहीं है, हम कुछ बेचने नहीं निकले हैं, हमने संकल्प लिया है, इसीलिए हम इसे संकल्प पत्र कह रहे हैं, घोषणा पत्र नहीं कहा हमने, संकल्प पत्र कहा, क्योंकि हम चाहते हैं, हम अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करना चाहते हैं। हमारे लिए ये उत्तर प्रदेश की का दृष्टि पत्र है, एक विजन है कि हम उत्तर प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इस तरह का विजन किसी और घोषणा पत्र में नहीं दिखाई पड़ता है,
ना समाजवादी पार्टी के और अभी कांग्रेस का कोई शायद मैंने सुना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या कुछ ऐसा आने वाला है, उसमें देखेंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं। लेकिन जो स्थितियां हैं आज के समय में, आप 2012 का मैनिफेस्टो उठा लीजिए समाजवादी पार्टी का, कितने वादे पूरे हुए हैं। उन्होंने उम्मीद की साइकिल चलाएंगे कहा था, वो साइकिल पंक्चर नजर आ रही है। बेरोजगारी की बेता की स्थिति क्या है इस समय उत्तर प्रदेश में, इसको देखिए आप जाकर, और हमारे संकल्प पत्र को देखिए। हमारा संकल्प पत्र क्यों बीजेपी को है कि हम बीजेपी को मंदिर मुद्दे की बात फिर एक बार याद आ गई। वो तो जब आपको लगता है कि मामला नहीं, याद नहीं है, ये पिछले न्यायालय के समक्ष है, विषय था हमारे, उसके आदेश के मुताबिक ही आगे कदम रखा जाएगा, तो चुनावी बेला में उसको लेकर क्यों बीजेपी क्या सहानुभूति एक बार फिर हासिल करने की कोशिश कर रही है या ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है? मंशा इसके पीछे क्या है? इसको संवैधानिक ढंग से किस तरह इस समस्या का हल निकले, इसके प्रति बीजेपी प्रतिबद्ध है, और वो अपनी प्रतिबद्धता और श्रद्धा इस संकल्प पत्र के माध्यम से प्रकट कर रही है। हम तो राम राज्य की बात कर रहे हैं ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू ना व्यापा, पूरे देश में दैहिक ताप प्रदेश की जनता भरोसा कर चुकी है, है ना? ये बातें तब भी पहले बोली जाती थी। स्वास्थ्य की दिशा में हो गया राम मंदिर की बात है, हम चाहते हैं कि हर घर बेचने काम किया है और भौतिक स्तर पर हम कैसे विकास करें और कैसे आगे बढ़े। सुरमा बेच दे, भगवान को बेच दिए, मंदिर को बेच दिए, देश को बेच दिए, भरोसा खो दिया है। वही है अजय माल्या द्वारा लूटा हुआ, अपहरण किया हुा धन, उससे बैंक खाली करके बैंक को भरने के लिए जगन देव जी आज बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो को भी आप लोगों ने सुना होगा। जब हम राम राज्य की बात, ठीक है मिश्रा जी, राम राज्य की बातें ठीक है, आप लोग इस घोषणा पत्र के माध्यम से यही बताने की कोशिश करना चाहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो उत्तर प्रदेश में राम राज्य होगा, ठीक है, इस पर जनता को भरोसा करना है, वो अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन जगन देव जी, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह से कहा, लोगों को डराने की कोशिश की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हुई तो केंद्र में भी उनकी सरकार, राज्य में भी उनकी सरकार बनती है, तो आरक्षण गया हाथ से। मिश्रा जी, कैसे? ऐसी कोई बात नहीं है, आरक्षण हम जानते, आरक्षण एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो कि इस देश में संविधान में इनका बहुत विश्वास है। जगन जी से मेरा सवाल था, जगन जी, हमारे लोग संविधान में दलित समाज को आरक्षण की आवश्यकता है, और ये सवाल मेरा जगदेव जी से है। नहीं, मैं मुझसे पूछ रहा हूं जी, नहीं, जगदेव जी से मेरा सवाल है कि आपकी पार्टी अगर आरक्षण के खिलाफ नहीं है तो आपकी पार्टी के नेता या फिर आपसे जो जुड़े संगठन है वो क्यों इस तरह के बयानबाजी करते हैं? सवाल नहीं खड़े होंगे फिर? नहीं नहीं, हमारी पार्टी ने हमेशा आरक्षण के पक्ष में, आरक्षण के खिलाफ कभी नहीं बोले। इन्होंने, इनके आरएसएस प्रमुख ने अभी जब बिहार चुनाव हुआ था आरक्षण के खिलाफ बोले। सर, हम उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं, फिर आरक्षण की बात करते हैं। आज ये राम मंदिर की बात करते हैं, जब कभी चुनाव आता है तब इनको राम मंदिर याद आती है, सांप्रदायिकता आती है, ये वोट के बंटवारे की बात करते हैं और धार्मिक उन्माद फैलाने के प्रयास करते हैं। कि उत्तर प्रदेश की जनता सब समझ गई है कि जब भी सरकार आती है, इनका दो दिया ही बहुमत है, क्यों नहीं कानून बना करके राम मंदिर बना दे। राम मंदिर के कोई खिलाफ नहीं है, हरेक की आशा है, हरेक की आशा जुड़ी हुई है, लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी हमेशा जुमलों का प्रयोग करती है, झूठे वादों का प्रयोग करती है। और आज तक, अभी मेट्रो की बात कर रहे थे, जहां जहां सरकारें इनकी हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, वहां क्यों ने मेट्रो चलाई? ये पहला उत्तर प्रदेश है जहां के मुख्यमंत्री ने मेट्रो चला के दिखा दी है, कई जगह चलाने की बात कही है, और सड़कें बनाने की जो बात थी है, पूरा करके दिखा दिया है। मैं कैसा, ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके लिए काम न किया हो, हम जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश मेरा सवाल से इतना सा जितने काम किया, दिल जितने काम किया है, वो फिर मुख्यमंत्री ठीक है, भरोसा। मेरा सवाल से इतना सा, दोबारा सरकार बनेगी ये अगर आप मानते हैं, ये लोग दहशत में है या जिन चीजों को लेकर डराने की कोशिश की जा रही है तो उनको लेकर स्पष्ट कर दीजिए। बातों ने कसम खा के गोसा पर जरूर मेरा सवाल इतना है कि चुनावी बेला में इस तरह के वादों की याद क्यों आती है? नाम ही इसीलिए दिया है कि हमें कुछ करना न पड़े, हमें कुछ करना नहीं है, इसीलिए संकल्प उन्होंने कहा। जनता को एक बार फिर भावनात्मक रूप से उद्वेलित करने के लिए, उनके भावना से खिलवाड़ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह के मुद्दे उठाती है। उत्तर प्रदेश और देश की जनता
जान चुकी है कि इनका किस चीज में, भारत के संविधान में, न्यायपालिका में, तिरंगे झंडे में इनका कितना यकीन है। यह हिंदुस्तान के केवल 50 उद्योगपतियों के लिए देश में आए थे, उन्हीं उद्योगपतियों में जो पैसे लेके भाग गए, जो डूब गए, उन पैसों को भरने के लिए इन्होंने पूरे देश को लाइन में खड़ा करा दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ईवीएम मशीन का इंतजार कर रही है कि किस दिन मेरे सामने मिले 125 मौतों का बदला ले सकूं और अपने घर की रखी हुई रोटी खाने नहीं दिया इस सरकार ने, सुबह से ही लाइन में लगा दिया। कितना जल्दी मैं गठबंधन के चुनाव चिन्ह पे बटन दबा करके मैं भारतीय जनता पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश कर दूं। अनिल दुबे जी, अनिल दुबे जी, लोग किस पर भरोसा करें? मुक्त उत्तर प्रदेश, सबके अपने अपने दावे हैं। और रही बात आपकी पार्टी की, देश है तो कांग्रेस है, ठीक है मिश्रा जी, ठीक है तो कांग्रेस। अनिल दुबे जी, उत्तर प्रदेश जो आम जनता है, भरोसा किस पर करें? मिला कैसे? दावे तो लगभग सबके नजर आते हैं, मिला कैसे? ये समझ में भाषा ये बात यहां पर ये कहना चाहता हूं, भरोसा तो जवाब ठीक है मिश्रा जी, आम जनता इतना तो देख ही रही है, प्रचार शुरू। सर दुबे जी को भी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना, आप मिश्रा जी ऐसे बहस का मतलब नहीं। आम जनता देखिए, जगदेव जी कह रहे हैं, आम जनता ने उनका भी देख लिया, उनके भी वादे देख लिए, और 2014 में देश में सरकार बनी, प्रचंड बहुमत के साथ आप आए, आपको भी 2.5 वर्ष कम नहीं होता, आपको भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, और दोनों लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है। जनता 2017 में खुद ही न्याय कर देगी। सर विकल्प क्या है? कौन विकल्प क्या नजर आता है? आप भी पार्टी उसकी स्थिति आप लोग भी बेहतर तरीके से समझते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम तो विकल्प देने का काम कर रहे हैं, हम विकल्प देने का काम कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हराने का पूरा काम करेंगे, और ये हारेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को ये उस समय की हम अपनी सरकार बनाएंगे। हम पूरे 403 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं सर, और इस देश में किसान की ताकत बहुत ज्यादा है, 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बिल्कुल 200 सीटों पर तो हम उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, 200 सीटों पर घोषित कर चुके हैं, और अभी अब तो वोट पड़ने की बारी है, 200 सीटों पर उम्मीदवार बिल्कुल वोट पड़ेगा, बिल्कुल वोट पड़ेगा। किसान इस प्रदेश में अगर एकजुट होकर के किसान वोट करने जा रहा है इस बार, किसान इस बार एकजुट है, किसान को ठगने का काम किया गया है, किसान के साथ छल करने का काम किया गया है, किसान देख रहा है कि दोनों ही सरकारों ने इन्होंने जनता पार्टी सरकार और किसान को गुलाम बनाया, आशा जी को गुलाम बनाया, आशा जी को गुलाम बनाया सर, अपनी अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज, ये हम समझ सकते हैं कि चुनावी वक्त है जी, इन्होंने किसान को गुलाम बनाने की साजिश की। सर किसान क्यों भरोसा करे राष्ट्रीय लोकदल पर? किसान बिल्कुल राष्ट्रीय लोकदल के अलावा किसान का कोई हितैषी नहीं है, और राष्ट्रीय लोकदल गांव और गरीब की लड़ाई लड़ता है, गांव को शहरों की तरह हम खुशहाल बनाना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में पिछले रिजल्ट में क्या क्या वजह थी जो आरएलडी पर भरोसा नहीं हुआ, कितनी सीटें थी? अब हम समाज में क्या करते, समाज को बटने देते? हमने समाज को एक रखने का काम किया, और समाज के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम उस तरह की राजनीति नहीं, सर ये कुर्बानी किस तरह की होगी? वो कुर्बानी का तरीका क्या होगा जब आपको समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं? आप लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, सूबे को लूटने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी, उसको हराने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। कांग्रेस क्या उस स्थिति में है सरकार बनाने की? हालांकि ये वोटर डिसाइड करेगा, भरोसा आरएलडी करेगा, आरएलडी भरोसा करेगा गठबंधन पे। दुबे जी जवाब दे दीजिए, मुद्दों के आधार पर राजनीति करेगा पार्टी के साथ में सरकार? सवाल है विचारधारा मिलती जुलती सर, आप सही सवाल, कुर्बानी कहां देंगे? संकल्प जी साथ में होगा, ठीक है आप कुर्बानी की बात कर रहे हैं तो कुर्बानी का तरीका क्या होगा? हम उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता को समाप्त करने का काम करेंगे,
उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक शक्तियों को पनपने नहीं देंगे। सांप्रदायिक शक्तियां वो हैं जो अल्पसंख्यकवाद के आधार पर वोट मांगती हैं। ठीक है सर, जनता अब जागरूक है, समझती है, उनका सफाया किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। बहुत शुक्रिया अनिल दुबे जी। अनिल दुबे जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपको कहीं जाना भी है। अतुल चंद्रा जी, मेरा सवाल आपसे, जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, कोई ऑप्शन नजर आता है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो भी सियासी दल? देखिए, ये इन लोगों का काम है चुनाव से पहले वादे करना। उस तरह से आपने बुंदेलखंड का जिक्र किया, अब बुंदेलखंड के लिए 8,000 करोड़ का पैकेज सेंटर से आया, लेकिन उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। बुंदेलखंड वैसे ही बदहाल रहा, सूखा पड़ा, केंद्र ने एक ट्रेन भेजी पानी की, प्रदेश सरकार ने उसको रुकवा दिया क्योंकि बिना परमिशन के आ गई थी। तो राजनीतिकरण जब हो जाता है विकास का भी जी, और कौन उस विकास का श्रेय ले, उसमें आम आदमी पिसने लगता है। तो इसलिए पूर्वांचल का भी यही हाल है। पूर्वांचल में आप ही ने बताया तो इस बहस को लेकर मुख्यमंत्री कि वादे बड़े बड़े होते हैं लेकिन तस्वीर ज्यादा जुदा देखने को नहीं मिलती, वही हालात रहते हैं। अब एक छोटा छोटा रिएक्शन आप सभी मेहमानों से, इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सड़क बिजली पानी पूरा बुंदेलखंड के विकास के लिए समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खाद्यान्न दिया है, फ्री गरीबों के लिए साइकिलें बंटवाई, बड़े अच्छे काम किए हैं, सड़क बिजली पानी साइकिल ध्यान रखा है, रोजगार दे दीजिए। नहीं, रोजगार तो हमने दिया, हम तो रोजगार दे, हम लोग स्मार्ट गांव बनाने जा रहे हैं, सारी सुविधाएं होंगी। कह रहे हैं जितना रोजगार दिया है अखिलेश सरकार ने, आज तक किसी सरकार ने दिया ही नहीं, भर्ती में लगा रखा था। मुलायम सिंह यादव जी ने ये बात कही थी खुले मन से कि 12 लाख युवा बेरोजगार हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिए। के पांडे जी, क्या कमियां पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी सरकार की 4.5 साल में रही हैं, जिस पर सबसे ज्यादा फोकस होगा आप लोगों का? भले ही आप गठबंधन में आ गए, अगर सरकार बनती है तो कौन सी कमियां होंगी, जो प्रायोरिटी होंगी, जिनको दूर करेंगे आप लोग? जो समाजवादी पार्टी की कमियां 4.5 साल की थी उसको मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने स्वयं दूर कर दिया। जिन लोगों के नाते, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहते, जिन लोगों के नाते कहीं ना कहीं उनको दबना पड़ रहा था, कहीं ना कहीं फुल फ्लेज काम करने में अड़चन आ रही थी, वो कमियां एक साइड हो गई। ससम्मान उनको जो है कहीं ना कहीं एक अच्छे जगह पे बैठा दिया। आज के तारीख में राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, दोनों नौजवान उत्तर प्रदेश के जितने नौजवान मतदाताओं की भावनाओं के प्रतीक, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश एक सवाल पुष्कर मिश्रा जी से भी है, फाइनल कमेंट, उसके बाद प्रोग्राम को भी ये रोकना है। सरकार बनाई मिश्रा जी, 4.5 साल तक खूब नाकामियां गिनाई गई, उसके बाद का जो वक्त बचा उसके बाद कलह पूरे उत्तर प्रदेश में 3-4 महीने देखी है, विकास के काम कब पूरे हो गए, लोग समझते नहीं इन सब बातों को। आप अपना प्रश्न जरा फिर से दोहराएंगे सर? मेरा सवाल ये कि पहले कमियां दिखती रही, आज 7 में हो गए तो आज पीठ थपथपाने के प्रयास किए जाते हैं। आम जनता या फिर कहें जो जागरूक वोटर है, इन सब चीजों को समझता नहीं है क्या राजनीतिक दलों की? जागरूक वोटर अच्छी तरह से समझता है कि पार्टी विद अ डिफरेंस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है, जो परिवारवाद से मुक्त है, जो पुत्रवाद से चले सर, आप वक्त की ज्यादा इजाजत नहीं देता है, बहुत शुक्रिया। आम जनता को ठगी महसूस करती है क्योंकि जब जवाब का वक्त होता है तो सारा समय हो हल्ले में बर्बाद हो जाता है और आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आ पाती है। सिर्फ एक दूसरे से खुद को बेहतर बताने का प्रयास किया जाता है कि दूसरे वाले से हम ज्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान तो मचा हुआ है, लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है या फिर कहें जो मतदाता है उनको रिझाने का प्रयास सभी दलों से किया जा रहा है। हम तो सिर्फ यही अपील जागरूक मतदाताओं से करेंगे कि आपकी वोट की ताकत बहुमूल्य है, 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है, अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।